चाइनीज ड्रामा आजकल काफी इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले के टाइम पे चाइनीज ड्रामा उतने ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे और उतने ज्यादा फेमस भी नहीं हुआ करते थे, पर आजकल वो काफी फेमस भी हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। तो आज ऐसे ही हम एक चाइनीज ड्रामा की बात करेंगे जो जिसका नाम है वेल इंटेंडेड लव टू। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और इसके टोटल एपिसोड्स 16 हैं। इस ड्रामा का एक पहला सीजन भी है जिसका नाम है वेल इंटेंडेड लव। तो अगर आप लोगों ने वो सीजन नहीं देखा है तो आप लोग उस सीजन को पहले देख लीजिए ताकि इस सीजन की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट इनटू दिस स्मॉल इंट्रो। बात करते हैं इस ड्रामा के प्लॉट की। तो शाइलिन एक राइजिंग एक्ट्रेस है जो कि काफ़ी हंसमुख स्वभाव की है और वो बहुत ही फेमस हो रही है अपने ड्रामास के वजह से। और चू यैन एक फेमस स्टार है जिसने उसे ड्रामा वर्ल्ड में एंट्री दी। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो कि एक रिच और हैंडसम सीईओ है जिसका नाम है लिंग ईजो। शाइलिन और लिंग ईजो एक पार्टी में मिलते हैं और अनएक्सपेक्टेडली उन दोनों की कुछ ऐसी पिक्चर्स लीक हो जाती हैं जिनकी वजह से उन दोनों को इंगेजमेंट करना पड़ता है और दोनों एक कॉन्ट्रैक्टल इंगेजमेंट कर लेते हैं। अपने इंगेजमेंट को सच साबित करने के लिए दोनों एक रियलिटी शो में पार्ट लेते हैं और दोनों में ग्रेजुअली रोमांस डेवलप होने लगता है। और फिर यहाँ स्टार्ट होता है लव ट्रायंगल जो कि शैलिन, लिंगिजो और चू यान के बीच में होता है। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपको काफ़ी इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग है। अनलाइक सीजन वन, लिंगिजो इस सीजन में काफ़ी टॉकेटिव है, पर ये लव ट्रायंगल तब ख़त्म हो जाता है जब चुयान को पता चलता है कि शालिन लिंग यूजो से सच में प्यार करने लगी है। तब वो खुद बैकआउट कर जाता है और फिर स्टार्ट होती है इस ड्रामा में कहानी बदले की। पुराने सीजन की तरह इस ड्रामा में भी बदले की कहानी तो है, बट वो वाला बदले की कहानी इस सीज़न में नहीं दिखाया गया। इस सीज़न में विलन्स कोई और है। इस ड्रामा में आपको टोटल 3 लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी। बात करते हैं इस ड्रामा के रोमांस एलिमेंट के बारे में। तो रोमांस आपको इस ड्रामा में भरपूर देखने को मिल जाएगा। रोमांस और किस सीन्स आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे अगर आप उसके लिए ड्रामा देखना चाहते हैं तो। बल्कि आपको इस ड्रामा में तीन तीन कपल्स देखने को मिलेंगे, एक तो शालिन लिंगिजो और दूसरा चुएन एक कपल बनेगा। तीसरा कपल होगा शालिन की बेस्ट फ्रेंड और लिंगिजो का सेक्रेटरी वनली। अनलाइक प्रीवियस सीजन, इस सीजन में उन दोनों के रोमांटिक अनलाइक प्रीवियस सीजन इस सीजन में चू यान और वनली के रोमांस को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया गया। अब बात करते हैं इस ड्रामा के कॉमेडी एलिमेंट के बारे में। तो इस ड्रामा में आपको कॉमेडी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। जब शालिन लिंग यिजो और चू यान का लव ट्रायंगल चलता रहता है तो उस बीच में आपको काफ़ी नोकझोंक वाली कॉमेडी इन तीनों के बीच में देखने को मिल जाएगी जब चुयान और लिंग यिजो आपस में कम्पीट करेंगे। कि इस ड्रामा में चुयान और लिंग यिजो फ्रेंड्स हैं वो भी बचपन के, तो इस वजह से तो और भी ज़्यादा कॉमेडी एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इस ड्रामा के बाकी एक्टर्स ने भी अच्छी खासी कॉमेडी दी है इस ड्रामा को। तो अगर आप एक कॉमेडी रोमांस ड्रामा देखने के मूड में हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट ड्रामा है। अब बात करते हैं इस ड्रामा के ओवरऑल रिव्यू के बारे में। तो ओवरऑल ये ड्रामा एक रोमांस और कॉमेडी से भरा हुआ ड्रामा है। इस ड्रामा में आपको कुछ बदला भी देखने को मिल जाएगा जो कि थोड़ा सा इंटेंस भी है, पर अनलाइक फर्स्ट सीजन ये उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होने वाला है। और बीच में शैलिन और लिंग यीजो के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, पर वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो ओवरऑल ये ड्रामा मस्ट वॉच ड्रामा की लिस्ट में आ सकता है अगर आपको रोमांस कॉमेडी पसंद है तो। अनलाइक फर्स्ट सीजन, इस ड्रामा में एक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। पिछले सीजन में थोड़ा बहुत कुछ कमी लग रही थी,
क्योंकि प्लॉट को थोड़ा लग रहा था जैसे खींच दिया गया है बहुत ज़्यादा, और इस ड्रामा में एकदम टू द पॉइंट रखा गया है हर चीज़ को, इसीलिए इसके 16 एपिसोड्स ही हैं। भले आपको वो 16 एपिसोड बाद में जाके कम लगेंगे, क्योंकि जब आपको इन दोनों लीड एक्टर एक्ट्रेस की केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी तो आपको ये 16 एपिसोड्स कम लगने लगेंगे, पर ये ड्रामा एकदम टू द पॉइंट ड्रामा है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा खींचा नहीं गया है इस ड्रामा में। तो बात करें इस ड्रामा के ओवरऑल रेटिंग की, जो मैं इसे इस ड्रामा को दूंगी वो है 7.5 out of 10। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जो कि ऑफ कोर्स आप ज़रूर होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।